दिल ने फिर याद किया। राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। राजपूत जान हारता है, शहजादे वचन नहीं। इस डायलॉग से आपको याद आ गया होगा कि भाई हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में एक दमदार, जानदार, शानदार अदाकार रहे हैं जिन्होंने शुरुआत तो की बतौर हीरो, बतौर लीड, लेकिन आगे जाके बतौर विलन जब हमारे सामने वो आ गए तो एक नया आयाम ही आ गया। मैं तुझे कई बार मना कर चुका हूँ कि मुझे सरदार न कहा कर। आज हम दिल ने फिर याद किया में यादें ताजा करेंगे मशहूर और मारूफ अदाकार अजीत साहब की, अजीत खान की। मत भूल, मैं तो जेल काट के आया। अपनी दमदार अदाकारी से लंबे अरसे तक लोगों के ज़हनो दिल पर गहरी छाप छोड़ने वाले कामयाब तरीन अदाकारों की फेहरिस्त में शामिल होते हैं अजीत। गुजरात में बाढ़ आई है। बतौर विलन जो बेहतरीन दर्जा इन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा में मिला वो शायद ही उस दौर में किसी और विलन को नसीब हुआ होगा। सो प्रभाकर साहब, 27 जनवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे और हैदराबाद में पले बड़े अजीत का असल नाम था हामिद अली खान। उनके वालिद बशीर अली खान निजाम हैदराबाद की फौज में एक अहम ओहदेदार थे। हामिद अली खान को लड़कपन से ही फिल्मों का शौक था। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में कभी दिल न लगा, सो 1944 में एक दिन कॉलेज की किताबें बेचकर हीरो बनने की गर्ज से मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। 1944 में जब इन्हें पता चला कि पूना में शालीमार स्टूडियो के कर्ता धर्ता WZ अहमद साहब फिल्म मन की जीत के लिए कुछ नए आर्टिस्टों का इंतखाब कर रहे हैं तो बस ये भी उम्मीदवार बनकर वहाँ चल दिए। मशहूर मारूफ शायर जोश मलिहाबादी और सागर निजामी उस वक्त शालीमार में ही नौकरी कर रहे थे। किस्मत से हामिद अली सागर निजामी को जानते थे तो सागर निजामी ने उन्हें उस वक्त जारी ऑडिशन में शामिल होने में मदद की, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया और वो रिजेक्ट हो गए। हामिद अली के लिए ये नाकामी बस एक नाकामी थी, ना उम्मीदी नहीं। सो उम्मीद का दामन थामे थामे इन्होंने छोटे मोटे एक्स्ट्रा के रोल करने में भी हिचक न दिखाई। आखिर वो दिन भी आया कि एक्स्ट्रा फिल्म शाहे मिस्र में गीता बोस के साथ हीरो बन गया। इस फिल्म के क्रेडिट्स में पर्दे पर इनका नाम आया हामिद, जिसे बाद में निर्माता निर्देशक के अमरनाथ की सलाह पर इन्होंने आसानी से जुबान पर चढ़ने वाले एक छोटे से नाम अजीत में तब्दील कर लिया। 1959 के आसपास इन्होंने फिल्मों में कुमार नाम के साथ कामयाब होते हीरोज की देखा देखी अपना नाम बदलकर अजीत कुमार करने का ऐलान कर दिया, लेकिन मुगले आजम की बेमिसाल कामयाबी के बाद इन्हें कुमार लगाने की जरूरत ही न पड़ी। साहिबे आलम, सरकार, मोती महल, सम्राट, तीरंदाज, शहजाद और नास्तिक जैसी फिल्मों में अहम रोल निभाकर काफी नाम कमाया अजीत ने। एक पल रुक जाना सरकार। 1953 की कामयाब फिल्म शिकारी में भी वो रागिनी के साथ बतौर हीरो नजर आए। नया दौर जैसी सुपरहिट फिल्म में दिलीप कुमार के साथ सेकंड लीड में वो नजर आए। मैं शंकर को जानता हूँ बाबू। अपनी हीरो वाले इस दौर में अजीत ने मधुबाला, वनमाला, निगार सुल्ताना, नलिनी जयंत, सुरैया, गीता बाली, माला सिन्हा के साथ फिल्में की। 1967 में पहली बार वो फिल्म सूरज में राजेंद्र कुमार वैजयंतीमाला के बरअक्स विलेन के किरदार में पर्दे पर नजर आए। 1973 की कामयाब तरीन फिल्म जंजीर के जरिए अजीत ने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नए तरह के विलेन को जन्म दिया। हेलो, फिल्म जंजीर के एक मामूली डायलॉग मोना डार्लिंग को महज अपनी अदायगी के अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में उतार दिया। यादों की बारात में लिली, डोंट बी सिली या फिर काली चरण का सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है जैसे डायलॉग आज भी दोहराए जाते हैं। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। 70 की वो दहाई अजीत के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। इस दौर में उन्होंने बतौर विलन पूरी 57 फिल्में कर डाली। मेरी अकल में जो आया वो मैंने किया। एक जुदा से अंदाज का अनोखा कलाकार अपनी उम्र अजीज के आखिरी अय्याम में दिल के मर्ज में मुब्तला रहा और आखिरकार 21 अक्टूबर 1998 को इस दिलदार पठान ने 76 बरस की उम्र में दुनिया को और सिनेमा को अलविदा कह दिया। अजीत खान पर बात करने के लिए, उनकी ज़िंदगी के कई जावियों, कई पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं महवे गुफ्तगू नन अददन शहजाद अली खान, उन्हीं के साहिबजादे, जो खुद बहुत ही बेहतरीन अभिनेता है और बहुत ही दमदार अदाकारी करते हैं। अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर ही
चलते हैं और विश्वास रखते हैं कि आगे भी वो हमें लुभाते जाएंगे अपनी अदाकारी के जौहर से। टीलू जाएगा अंदर और रवीना जाएगी ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिल ने फिर याद किया मैं शहजाद अली खान साहब। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सूरत, आपकी शक्ल देखकर हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इस वक्त हम देख रहे हैं अजीत साहब को, उन्हीं से वार्तालाप हो रही है। God has been kind. Well, अब आप और उनके दरमियान जो रابطہ रहा उस पे भी हमें बात करनी है, और क्या किस्से कहानियां आपके पास है उस पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये जरूर हम शुरुआत में कहना चाहेंगे कि सभी कहते हैं कि भाई वो एक्टिंग की तरफ इस कदर माइल थे और एक्टिंग के प्रति उनका इस कदर शौक था कि उन्होंने अपने कॉलेज की किताबें बेची थी ताकि वो मुंबई चले आए बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने बतौर हीरो। ये किस हद तक सही है? सबसे पहले मेरे सारे सुनने वालों को और आप सबको मेरा आदाब सलाम नमस्ते। और अब हम शुरू कर, मैं बताऊंगा कि मेरे वालिद साहब के दिमाग में ये वायरस एक्टिंग का कैसे घुसा। जब वो स्कूल में थे तो माशाल्लाह खट्टे खट्टे खूबसूरत थे वो, तो या और ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, मतलब स्टेट लेवल के लिए भी उन्होंने फुटबॉल खेला है स्कूल के वक्त। तो उनकी टीचर्स कहती थी यार हमें यू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री, तुम फिल्मों के लिए बने, तुम जो हीरो बन जाओ, जो हीरो बन जाओ। ये बार बार उनको उनकी टीचर्स वगैरह ना कहती थी। उनसे 2 साल सीनियर थे हमारे बीएम नरसिम्हा राव जी, उसी स्कूल में थे वो। नरसिम्हा राव जी 2 साल सीनियर थे मेरे फादर के। तो ये वायरस उनके दिमाग में बचपन से बोया गया। करेक्ट, बोया गया। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो दूसरे लोगों ने उनको प्रेरित किया कि आप एक्टर बनने की, घर से इस दुनिया में पैदा हुए हो तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उस वजह से उनके जहन में भी वो बात आ गई, नहीं हाँ सच तो कह रहे हैं मुझे एक्टर के लिए ही बनाया गया है। तो ये कहने का आपका मतलब है, तो मतलब खुद उनके अंदर वो चाहत नहीं थी लेकिन चाहत डलवाई गई। नहीं, चाहत डलवाई गई। और फिर वो देखिए एक पूरे दिन में अगर आपको कोई भी 10 बार 50 बार कहे कि नहीं मैं, जैसे महमूद साहब की पिक्चर आई थी मैं सुंदर हूँ मैं सुंदर हूँ, तो आपको ऐसा लगने लगेगा हाँ नहीं आप वाकई में सुंदर है। तो उस किस्म की चीजें उनके साथ होने लगी। और बच्चे का दिमाग तो जो होता है वो बड़ा वो होता है, सो यू कैन मोल्ड हिम व्हिचएवर वे यू लाइक। So, फिर जब वो कॉलेज तक पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं वाकई में यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा यहाँ क्या काम इस छोटे से शहर हैदराबाद में। तो उन्होंने अपनी कॉलेज वॉलेज की किताबें बेची और वो 100-150 रुपए कितने थे वो लेके बॉम्बे आ गए। मतलब ये बिल्कुल सच है कि उन्होंने स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें बेची और उन्हीं पैसों से उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया। जी जी जी। अच्छा ये मुझे बताए, यहाँ ये बात तो आयद ही होती है और पूछना भी जायज है कि जब उन्होंने किताबें बेची तो घर वालों को कब पता चला? क्या घर वालों को उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, या उनको बाद में पता चला कि नहीं भाई इन्होंने सब कुछ बेच पाच कर अपनी किताबें मुंबई की तरफ निकल पड़े हैं? इस बारे में क्या है, उनको स्कोल्ड किया गया, उनको डांटा गया बाद में, क्या माजरा रहा? एक्चुअली माय मेरे जो मरहूम दादा जान थे वो निजाम की आर्मी में थे, तो ही वाज अ आर्मी मैन, यू नो ही हेटेड फिल्म्स एंड उनको बड़ी एलर्जी थी। तो मेरे वालिद की कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ भी कहने की, तो उन्होंने सोचा चुपचाप सुमड़ी में निकल जाओ भाई, जाके अपनी किस्मत आजमा लो। तो इस तरह से उनका सफर शुरू हुआ। हाँ, सफर तो उनका शुरू हुआ, बड़ा तवील रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद खूब सारी जदोजहद करनी पड़ी होगी उन्हें, ऑडिशंस दिए हैं उन्होंने। उस वक्त ऑडिशंस एज सच नहीं थे। ओके। उस वक्त तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम था कि बस दो वक्त की रोटी मिल जाए कहीं से, जब वो शुरू शुरू में आए थे। एंड अभी जितना ये सब ढोंग होता है ऑडिशंस का और ये सब, ये सब उस वक्त इतना नहीं था। करेक्ट। तो ही स्टार्टेड ऑफ एज अ जूनियर आर्टिस्ट, उनको जो था तो लाइन में, फोर्थ लाइन में उनको खड़ा रखा गया। जूनियर आर्टिस्ट की तरह उन्होंने अपना शुरू किया सफर। करेक्ट। तो उनकी आवाज की वजह से वो फोर्थ लाइन फोर्थ रो में से वो सेकंड रो में आ गए, बिकॉज ऑफ हिज बैरिटोन वॉइस।
एंड फिर वो सेकंड रो से फर्स्ट रो में आ गए जी. और फिर उसके बाद आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर, वेरी सीनियर डायरेक्टर, मे बी नाना भट्ट उन्होंने उनको एज अ हीरो साइन किया. तो इस तरह से उनका मेनस्ट्रीम सिनेमा में दाखला हुआ. कितना बदल गया इंसान. बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जिनमें बतौर लीड वो हमारे सामने आए, जिनमें नास्तिक भी एक है. उन पर फिल्म आए, कई सारे गाने हैं जो बहुत पॉपुलर आज भी है. कहीं ना कहीं उसके बाद जब आगे वो बढ़ते गए, जहां तक मेरी इल्मियत है, आप कहेंगे क्योंकि आपने वालिद साहब से काफी बातें की होंगी, कि राजेंद्र कुमार साहब ने उन्हें कहा कि भाई हीरो के रूप में आप एस्टैब्लिश तो हो रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी एक फिल्म में आप एज ए विलन काम करो. तो उसके बाद उनका सूरज में जब उन्होंने एज ए विलन काम किया, देन एज ए विलन वो एस्टैब्लिश होना शुरू हो गए. हाउ ट्रू इज दिस? राजेंद्र कुमार साहब का इनिशिएटिव रहा, इज दैट ट्रू और कुछ और कहानी है? आई वुड लाइक टू करेक्ट द फैक्ट्स. ओके. एक दौर ऐसा आया जब उनकी जब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर सिनेमा का दौर आ गया. उनकी फिल्में एज अ हीरो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, आप समझ गए. एंड आफ्टर डूइंग सो मेनी फिल्म्स एज अ हीरो, माय फादर वाज जॉबलेस फॉर क्वाइट अ सम टाइम, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. Then it is because his friendship with Rajendra Kumar ji and all these people just sustained Bandra. So ek unka group tha wo har sham ko. It was a very family, close knit affair. Ek family type ka atmosphere tha. So Rajendra Kumar ji was known as Jubilee Kumar. Correct. Unki har film Silver Jubilee to hoti thi minimum. So unki film thi Suraj. इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सूरज में जो विलेन पहले जो कास्ट किया गया था, आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज़ ही वाज़ अ सीनियर एक्टर, साउथ की हीरोइंस ने फैसला किया कि भाई हम उस फिल्म में काम नहीं करेंगे जिस फिल्म में वो एक्टर एज अ विलेन होंगे. वो एक्टर होंगे क्योंकि हम वो एक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी. सो द प्रोड्यूसर वॉज इन अ वेरी वेरी टाइट condition, मतलब position, he didn't know because south में तो पहले से discipline और दो एक schedule में film complete होना या maximum दो schedule में, उस तरह से उन लोग operate करते हैं. So he told since Rajendra Kumar ji was the hero, he came running to him and said, boss, मेरा तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ऐसा ऐसा हुआ. और heroine ने कह दिया कि अगर ये साहब रहेंगे तो मैं नहीं काम करूंगा, I'll lead a film. तो कहते हैं ना, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन. करेक्ट. तो देन रंजन कुमार जी टोल्ड के टोल्ड दैट प्रोड्यूसर दैट एक मेरे दोस्त है, उनसे मैं बात करता हूँ, ही अग्रीज, वी वेल एंड गुड, योर प्रोजेक्ट विल बी ऑन. ओके. ही केम, रंजन कुमार जी मेट माय फादर, एक्सप्लेन टू हिम, टोल्ड हिम, सी your films aren't doing well as a hero. Cost of making has gone high, color is very expensive, there's no recovery. So it's better you change your trend now, you start off as a villain. Aur wahan se unki, and my father was a very flexible man, you know. He treated this profession as a profession, he never carried the weight around, you know. Correct. Wo ek baar studio se bahar nikalte the to he used to be a normal human being. अक्सर यहाँ देखा गया कि एक्टर्स जो है स्टूडियो से निकलते हैं, शूटिंग के बाद भी वो कैरेक्टर में ही रहते हैं. हाँ जी. वो धरती पे नहीं आते. हाँ, जमीन से जुड़े नहीं रहते हैं. सही. जी जी. मेरे वालिद साहब बहुत नॉर्मल आदमी थे, उनको कोई ये सब एयर्स वेयर्स नहीं थे. बिकॉज इनका प्रोफेशन था, पैशन था. पहले तो पैशन, फर्स्ट फॉरमोस्ट वाज हिज पैशन. That became his profession. अगर मैं पूछूं जवाब दोगे? क्योंकि वो अपने मकालमों से जान डालते थे. कोई भी सिंपल डायलॉग आप ले लीजिए, मुझे नहीं लगता हमारी इंडस्ट्री में कोई ऐसा विलन पैदा हुआ है जिन्होंने मुस्कुराते अंदाज के साथ कोई डायलॉग बोला है, मकालमे पड़े हैं, अदायगी की है
और वो डायलॉग सिंपल सा डायलॉग सुपर डुपर हिट बन गया और सबकी जुबान पर आ गया। लिली डोंट बी सिली ये हर कोई कह सकता है, लेकिन उनका अंदाज, उनकी अदायगी वो बिल्कुल जुदा सा था। कहीं ना कहीं उनके जितने भी डायलॉग्स उनको मिले हैं, चाहे जंजीर फिल्म में हो, काली चरण में हो, या और भी कई सारी बेहतरीन फिल्में उनकी है, जैसे आपने कहा कैरेक्टर से वो बाहर जो है तुरंत आते थे, ख़त्म हो गया, स्टूडियो से निकल गए और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभार घर पे जब आप और उनकी गुफ्तगू होती थी, वक्त दे पाते थे कि नहीं दे पाते थे, किस तरह का समा होता था, जैसे हम कहेंगे एक फादर और एक सन के दरमियान का बॉन्ड। He was a very strict father. Oh. He never believed in friendship with children. Oh. मतलब वो उनको वो बात हजम ही नहीं होती थी कि बाप कभी बेटे का दोस्त हो सकता है या बच्चों का दोस्त, बाप बाप होता है। अच्छा। उन्होंने एक अपना दायरा रखा। ओके। और वो दायरे से ना हमको इस पार आने दिया ना वो उस पार आए। लेकिन जब आपने एक्टर बनने का सोचा तो आप उनके पास गए, जब वो सख्त थे तो आपने तो बिल्कुल हिम्मत नहीं की होगी उनके पास जाकर अपने दिल की बात कहने के लिए, या मुझे एक्टर बनने का सपना है, फिर कैसे हुआ ये संभव, आप एक्टिंग की तरफ फिर कैसे आया अगर वो बहुत सख्त थे तो? देखिए मुझे भी बचपन से बहुत ज्यादा I was very passionate about acting and I loved it. मैं जब मौका मिलता था आईने के सामने खड़े होके ना उनके डायलॉग्स बोलना या कुछ भी ना, I used to go on doing all this. Okay. So जब मैंने भी अपनी स्कूल वूल खत्म की, स्कूलिंग खत्म की, मैंने भी सोचा भाई अब बहुत पढ़ लिया, चलो अब काम करते हैं। तो मैं गया उनके पास, मैंने उनसे कहा मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है आप करिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कहीं प्रमोट नहीं करूँगा। Okay. अगर आपके काबिलियत होगी तो आपको लोग उसी आपकी काबिलियत पे लेंगे। मैं कहीं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपको इसीलिए लिया जाए कि आप मेरे फर्जंद हैं या मेरे बेटे हैं इसी वजह से। तो ही सेड एक्टर इज ऑलवेज अलोन राइट फ्रॉम द टाइम ही लीव्स हिज हाउस टू बी रीचेस द स्टूडियो एंड कम्स बैक, सो यू आर ऑन योर ओन नाउ। सो दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी एंड और मैंने कहा ओके डैड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट थिंग। और मैंने भी गार्ड बांध ली कि मैं कहीं किसी को ये बताऊंगा ही नहीं कि मैं इनका बेटा हूँ, मेरे में काबिलियत होगी, सलाहियत होगी, तो मैं निकल पड़ा सर पे कफन बांध के। हाँ अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके वालिद साहब कहीं ना कहीं हाँ तो कही थी, आपको अपने रास्ते निकलना पड़ेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपको थोड़ा सा हौसला तो उन्होंने दिया ही अपनी बातों में ही, लेकिन मंजिल आपकी खुद होगी, मैं रोकूंगा नहीं आपको, ये भी तो कहा, मतलब हामी तो भर ली बातों बातों में। कसम से हामी यू कैन से, बट वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। ओके। लेकिन मैं वो नहीं चाहता था, या हो सकता है कुदरत नहीं चाहती थी। राइट राइट। अपने वालिद साहब की जब आप फिल्में देखा करते थे तो अपने वालिद साहब की कुछ डायलॉग्स वगैरह है, जैसे आपने कहा आईने के सामने हम डायलॉग डिलीवरी करते थे, अपने से बातें करते थे कि नहीं हमें एक्टर बनना है, अपने वालिद साहब की कुछ फिल्में देखी होंगी आपने, जरूर उनके डायलॉग्स आप मिमिक करते होंगे या फिर उनके डायलॉग की डिलीवरी आप अपने तरीके से अपने अंदाज में करते होंगे, ऐसा कुछ था? हाँ दोस्तों में और उनसे बोल रहे वो तुम्हारे डैडी के वो फिल्म का डायलॉग सुना तो वो हाँ मैं सुना दिया करता था। ओके। और मुझे नहीं पता था कि वो एक दिन मेरा प्रोफेशन हो जाएगा मुझे याद है आपको अंदाज अपना मैं बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर दिया गया था और आपके वालिद साहब से ही मिलता जुलता कैरेक्टर दिया गया था लोग रिलेट कर पाए, वन ऑफ द कल्ट क्लासिक्स अंदाज अपना बेशक बेशक। ये बिच्छू का जहर है रावण। शहजाद साहब आपके साथ बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, अजीत साहब की और भी यादें हम ताजा करेंगे, फिर वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, हम आप सभी से मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया, भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना।
दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं। आज यादें ताजा हो रही हैं मशहूर मारूफ अभिनेता अदाकार जिन्होंने सदियों तक हिंदुस्तानी सिनेमा में राज किया, हम बात कर रहे हैं अजीत साहब की। तो उनके साहिबजादे शहजाद अली खान इस वक्त हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं, उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, जायों पर बात करने के लिए। तो चलिए अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, कुछ और यादें ताज़ा करते हुए करते हैं शहजाद अली से और भी बातें अजीत साहब के बारे में, क्योंकि वो स्टार पहले ही थे लेकिन सुपर स्टार की श्रेणी में वो आ सकते थे। इस बात का जिक्र किया मशहूर मारूफ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब ने। उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि फिल्म तुमसा नहीं देखा के लिए, शम्मी कपूर के रोल के लिए मैं अजीत साहब के पास गया, मैंने उनसे दरख्वास्त की मैं चाहता हूँ आप ये रोल करें, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे फिल्मों में, उनके पास डेट्स नहीं थी, तो अवेलेबल ना होने के कारण वो ये फिल्म नहीं कर पाए, उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और फिर जब फिल्म हिट साबित हुई मैं सोचता रह गया कि अगर या काश अजीत साहब ने हामी भरी होती इस रोल के लिए तो आज वो सुपरस्टार होते, क्या वाकई में वो सुपरस्टार होते? मेरे हिसाब से या उनके चहेतों के हिसाब से, अजीत साहब के चहेतों के हिसाब से मुझे ये महसूस होता है कि स्टार तो वो ऑलरेडी थे लेकिन बतौर विलन वो सुपरस्टार तो बन ही गए बाद में। आपको क्या लगता है इस बारे में? किसी भी एक्टर के साथ सबसे बड़ा खेल जो है उसकी तकदीर का होता है। मेहनत तो है ही, मेहनत के साथ साथ तकदीर बहुत बड़ा खेल खेलती है। सही। अगर आपसे कुछ चीज छीनती है तो आपको अगर देना है ऊपर वाले को तो आपको किसी और जरिए से दे, अजगैब से दे देता है जहां से आपने सोचा ना हो। हो सकता है मेरे वालिद साहब ने हीरो बहुत बड़े हीरो बनने के सपने देखे हो लेकिन वो हीरो बड़े हीरो नहीं बन पाए, वो बड़े विलेन बन गए। करेक्ट। इट्स ऑल अबाउट लेडी लक। हाँ जी। आफ्टर योर हार्ड वर्क इट्स ऑल अबाउट लेडी लक। करेक्ट। मैं पुलिस चौकी जा रहा हूँ। एक और बात है यहाँ पे, उनके कई सारे दोस्त हिंदुस्तानी सिनेमा में बने, जब वो बतौर हीरो काम कर रहे थे उसके बाद कैरेक्टर रोल्स में आए या फिर सेकंड लीड में आए। अगर हम बात करेंगे दिलीप कुमार साहब की, वो खास दोस्तों में शुमार होते थे उनके। पहले तो ये बात करेंगे कि दिलीप साहब के साथ आपकी भी मुलाकात हुई होगी, तो वो जब घर आते थे तो आप भी कभी कुछ बातें बातें आपकी भी होती थी और दोनों के दरमियान किस तरह की बातें होती थी? मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे वालिद साहब। हाँ जी। जब उनके दोस्त आते थे तो हमें इजाजत, बच्चों को इजाजत नहीं थी वहां सामने बैठने, पहले तो आपकी बात है, तो हमें कुछ पता नहीं चलता था। ओके। We were supposed to be in our rooms. Okay. We could not sit. वहां सलाम किया और हम अपने कमरे चले गए। Okay. But that space was for him and his friends. Okay. We were not allowed to sit there. जो कुछ हमें पता चलता था वो हमारी वालदा थी उनसे पता चलता था। आप समझे? And he was a very different kind of आर्मी बैकग्राउंड के आदमी थे। करेक्ट। तो उन्होंने उन चीज को, हो सकता है उनके फादर ने उनके साथ ऐसा किया हो, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट थिंग। आज जब मेरे भी दोस्त आते हैं घर पे तो आई टेल माय सन बेटा आप अंदर जाकर बैठ, क्योंकि दोस्त हैं, कभी कुछ बातें करते हैं, कभी कुछ बातें होती है। अगर साहिब आलम ने उनके हुक्म की तामील न की तो अकबर आजम का जलाल ये तौहीन बर्दाश्त न कर सकेगा। हम अब दिलीप साहब पे आते हैं क्योंकि उनके साथ उन्होंने सेकंड लीड में फिल्में की, जैसे मुगले आजम को नहीं भुला सकते कि आसिफ का जबरदस्त क्रिएशन, और नया दौर को हम नहीं भुला सकते। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तजब्जुब में थे, ये डर था कि नहीं मुझे करना चाहिए सेकेंड लीड कि नहीं, लेकिन दिलीप साहब जो है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ ये रोल करें, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये रोल आपकी लाइफ में बहुत ही नया कुछ आयाम लाएगा, कुछ कहा भी था कई दफ़ा। इनफैक्ट इंटरव्यू भी मैं उन्होंने कहा था कई मरतबा कि आसिफ साहब ने इतना वक्त लगाया, कभी कभी तो हमें लगता था कि इस फिल्म का होना क्या है और हमारा क्या होगा। और चूंकि exactly. आसिफ 20-20 घंटा शूट किया करते थे और हम इतना थक जाते थे फिर मैं और दिलीप कुमार साहब जो है वो चोरी छुपे निकल पड़ते थे, और कभी कभी ऐसा हुआ मैं और दिलीप साहब चोरी छुपे निकल पड़े और वो हमें तलाश रहे हैं पूरे सेट में कहाँ गए, तब जाके जब हम मिल नहीं पा रहे थे तब जाके वो कहते थे ठीक है अब पैकअप करना ही पड़ेगा। हाँ हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी पेशावर के बैकग्राउंड से हैं, दिलीप साहब भी, तो उनके वो लोग हमेशा या तो पश्तो में बात करते थे मोस्टली। आई ऑलवेज जितना भी थोड़ा मेरा इंटरेक्शन हुआ मेरे वालिद साहब के साथ, यूसुफ संकी के साथ, तो दे यूज्ड टू मोस्टली टॉक इन पश्तो, तो हमें पश्तो समझ में नहीं आती थी ना हमें बोलने आती थी। इट वाज ऑल वेरी सीक्रेटिव।
Correct. But they were best of friends, best of buddies. They were best of friends. जैसे आपने पश्तो कहा, उर्दू की तरफ भी उनका बहुत अच्छा जौक था, बहुत अच्छी उर्दू भी वो बोल लेते थे. ऑब्वियसली हैदराबाद से बिलोंग करते थे, तेलुगु भी बहुत अच्छी बोलते थे. लेकिन ये भी यहाँ है कि शेरो शायरी का भी बड़ा शौक था उन्हें. आपको कुछ याद है या आपकी नजर में कुछ है, वो कुछ इल्मियत है आपको इस बारे में? एक्चुअली मेरे वालिद साहब को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, पश्तो, उर्दू, फारसी, तेलुगु, छह सात लैंग्वेजेस आती थी उनको. उनको रीडिंग का बहुत शौक था. मेरे वालिद साहब को, यू कैन सी ही वाज अ वेरी वेल रेड मैन, सेल्फ एजुकेटेड. जो आदमी कॉलेज की किताबें बेचकर बॉम्बे आ गया तो ऑब्वियसली उसने कॉलेज तक ही नहीं, तो उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया किताबें पढ़ पढ़ के. मतलब वो दो दो तीन तीन दिन अपने आप को बंद कर देते थे और जब तक कि वो किताब खत्म नहीं हो जाती थी, इट्स नॉट कम आउट ऑफ द रूम. सच अ बहुत ही ज्यादा शौक था उनको रीडिंग का. यस, वो शेर शायरी ये सब होता था, ये सब करते थे वो. लेकिन हमारे सामने वो हमेशा एक वालिद बन के रहे. हम उनका जो भी रुख देखते थे वो हम पर्दे पे देखते थे कि ये अच्छा, ये हीरोइन की माँ का अगवा भी करते हैं, हीरोइन की बलात्कार भी करते हैं. आपको मैं ये शेयर करना चाहूंगा. जरूर जरूर कर लीजिए प्लीज. हमारी स्कूल लाइफ, खास करके मेरी, बच्चे मेरे साथ स्कूल में दोस्ती नहीं करते थे. दिस स्टे अवे फ्रॉम मी. इसीलिए क्योंकि विलेन का बेटा है. जी जी, उनकी फिल्म रिलीज होती थी फ्राइडे को और मंडे को उसको उसके उनकी हरकतों को मुझे झेलना पड़ता था. क्योंकि किसी फिल्म में वो मार रहे हैं, किसी फिल्म में वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं. तो बच्चे वो हमेशा मुझसे डरे हुए और ज्यादा. तो बस मेरा स्कूल, आप ये समझिए कि मेरे पूरे स्कूल के उसमें मेरा एक ही दोस्त था. और उसी के साथ मैं चिपका रहता था और वो मुझसे, ही वाज लाइक माय गार्डियन एंजल. मैं और वो लाइक इनसेपरेबल. बाकी लोग यू नो वेरी स्केप्टिकल कि यार क्या है क्या नहीं. तो ये सब चीजें हमने बहुत पेड अ बिग प्राइस. कभी कभी आपको एज अ बच्चा ये महसूस हुआ होगा कि यार मेरे वालिद साहब विलेन के रोल में क्यों आ रहे हैं, हमें झेलना पड़ रहा है सब. कभी हल्का हल्का सा थोड़ा गुस्सा पापा की तरफ था, हल्का हल्का सा कुछ बोले तो कैसे बोले पापा को ये रोल छोड़ दो कुछ और करो. लेकिन आप कह नहीं पा सकते थे क्योंकि बहुत सख्त थे वो, आपकी हिम्मत नहीं होती थी. ऐसा कुछ नहीं, हुआ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही हमारी हिम्मत नहीं होती थी भैया. वो हमारे लास्ट तक, वो कहते ना अगर स्क्रीन पे लाइन थे तो हकीकत में भी लाइन ही थे हमारे. अच्छा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा था, कभी वो गुस्सा छलकता था, कभी इरिटेट होकर. आपने अपने वालिद साहब से पूछा कि आपकी वजह से स्कूल में ये सुनना पड़ रहा है कि आप क्यों ऐसे कैरेक्टर निभाते हो पर्दे पर जब आप बच्चे थे. तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो सकती, आज तक हमारी हिम्मत नहीं होती. अगर वो हयात होते तो हम कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते उनको कहने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों. जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस. आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये ज्यादा सख्ती होती है वालिद और बच्चे के दरमियान, या इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप अपने दिल की बातें शेयर ही नहीं कर पाते हो. जो आप कहना चाहते हो अपने वालिद साहब से आप वो कह नहीं पाते हो क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है. तो ये कभी आपको महसूस हुआ लाइफ में कि इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये जरूरी है कहीं ना कहीं, इस वजह से आप थोड़े और टफ हो गए लाइफ में? आई थिंक जरूरी है. ओके, आई थिंक इट्स जरूरी है. आई फील नाउ इट्स वेरी बहुत जरूरी है. मुझे याद है जब मैंने अपने 10th की एग्जाम दी तो हमें पॉकेट मनी मिलता था जब हम स्कूल में थे. तो मैं जब 10th की एग्जाम, मैंने बोर्ड एग्जाम दी, तो उसके एक हफ्ते के अंदर मेरे वालिद साहब मुझे कहते बेटा अब तो आपकी बोर्ड एग्जाम हो गई है, अब ऐसा है कि पॉकेट मनी आपको मिलेगा नहीं, ये मेरे दोस्त की ऑफिस है, आप वहां जाके काम करिए. वहां से आपको पैसे मिलेंगे वो आपके. तो इमेजिन, मैं रहता था बैंक स्टैंड पे, बैंक स्टैंड से मैं रोज जाता था कोलाबा. आप समझ गए वो, और एक्सपीरियंस भी मिला मुझे. लेकिन जब मैं उस ऑफिस में जाता था तो लोग कहते थे यार तुम तो ये ऑफिस
तुम्हारे फादर तो ऑफिस खरीद सकते, तुम यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? मतलब देखो भाई, मेरे बाप ने जो कहा है प्लीज मुझे करने दो, और मुझे सीखना है मुझे सीखने दो। आप लोग का ये आपके ख्याल आप अपने तक रखिए। वेरी नाइस, मतलब आप बड़े फरमाबरदार बैठे रहे हैं। जी बिल्कुल। खैर, उन्हें कभी कभी नाकामी का भी मुंह देखना पड़ा शुरुआत में, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के थे, उन्होंने नाकामियों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते गए। बेशक। और अपनी लाइफ में भी, निजी जिंदगी में भी उनको कहीं ना कहीं कुछ नाकामियां देखनी पड़ी होंगी। कभी कोई शिकन, कभी कोई रंज, कभी कोई अफसोस, कभी कोई मलाल इंडस्ट्री से या अपनी निजी जिंदगी से उनको रहा? कभी भी? कभी नहीं। उन्होंने एक चीज ठान ली थी कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे नुकसान हो जाए चाहे फायदा हो जाए। एंड सक्सेस और फेलियर जो है वो सफर का एक हिस्सा है, वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो आपकी मंजिल का एक हिस्सा है। इट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। ही नेवर गॉट कैरिड अवे बाय सक्सेस एंड ही नेवर गॉट डिसहार्टेड बाय हिज फेलियर। That's why he was a man with a heart of a rock. Actually, उनके rock star का खिताब देना चाहिए। He was a rock star. करें। बड़ा जी चाहता था आपसे मिलने को। अपने दौर के बहुत ही stylish villain रहे वो। घर पे भी वो क्या stylish ही रहते थे? नहीं, हमने वो कभी नहीं देखा, but ये जरूर देखा कि सख्ती उनकी जो थी वो हमेशा रहती थी। और he was known as the Clark Gabriel of बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जैसे हॉलीवुड में क्लार्क ग्रेबियल थे, वैसे वालिद साहब को क्लार्क ग्रेबियल का खिताब मिला था। और बहुत सिंपल लाइफ बिलीव्ड उन्होंने जिए हमेशा। एक नॉर्मल लाइफ होती है वैसे। साल में उनके 10-12 वाइट शर्ट्स, वाइट पैंट, ऑलमोस्ट ऑलवेज वो वाइट। मींस पर्सनल लाइफ ऑल्सो। एंड उनका एक फ्रेंड सर्कल था, सो रोज शाम को उनसे मिलना, मुलाकात करना, हंसी मजाक करना। और अपना, हाँ यस, वर्जिश के बड़े, मुझे याद है वो टिल हिज लास्ट डेज कम से कम 100-125 डिप्स एंड वॉक, because he was a sportsman, so he was very very correct. You know, health conscious about se. exercise. जी, fitness के freak थे वो। आपको जब उन्होंने देखा फिल्मी पर्दे पर, क्या वाकई में उन्होंने आपकी फिल्म थिएटर में जाके देखी या कहीं पे भी घर पे उन्होंने आपकी फिल्म देखी, तो आपको कुछ compliment जरूर दिया होगा as an actor उन्होंने, या कभी आपको उनकी तरफ से कुछ तारीफें भी नहीं, कोई compliment भी नहीं मिला? इस बारे में बताइए, मिला कि नहीं मिला उनकी तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट आपको? लाइक उन्होंने सिर्फ अंदाज अपना अपना के कुछ सीन्स देखे और मुझे कहा मियां अपना मुकाम बनाइए। हाँ। बस इतना ही उनके अल्फाज थे, मियां अपना मुकाम बनाइए, उसी में बहुत काफी कुछ छुपा हुआ है। ये वास्को डी गामा की गन है। मशहूर मारूफ अदाकार अजीत साहब की जिंदगी के कुछ और जावियों पर हम रोशनी डालेंगे, लेकिन ब्रेक के पार हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से अंतराल के बाद। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के फेवरेट चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में, दिल ने फिर याद किया में आज की हमारी शख्सियत है अजीत साहब, जो हामिद अली खान के नाम से पैदा तो हुए थे, लेकिन हिंदुस्तानी सिनेमा में जब उन्होंने अदाकारी के अलग अलग जौहर दिखाए तो अजीत के नाम से मकबूल हुए। उनके साहिबजादे हमारे साथ में गुफ्तगु है, शहजाद अली खान साहब, जो खुद एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार है। आपके वालिद साहब की कई सारी फिल्में आपने देखी होंगी, आपके हिसाब से आपको अपने वालिद साहब की कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई है, जिस पर वाकई आपको रश्क है, तो आपको लगता है बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल फिट है इस किरदार में वालिद साहब, उनसे बेहतर कोई किरदार निभा नहीं पाता? उनकी फिल्म काली चरण एज अ विलन मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उस फिल्म में, और एक तरह से उस फिल्म के हीरो भी ये थे और विलन भी यही थे। करेक्ट। एंड अगर पॉजिटिव देखा जाए तो आई थिंक मुगले आजम में उनका जो दुर्जन, जिस तरह से उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया दुर्जन का, इट वाज मतलब वेरी नाइस, आई इट टचेस द हार्ट। मतलब एक आप काली चरण का देखिए, वही आदमी काली चरण में क्या कर रहा है, और वही एक्टर जो है मुगले आजम में अपनी जान दे देता है सिर्फ एक वचन के लिए। सो टू डिफरेंट कहते हैं ना कैरेक्टर्स, पोल्स अपार्ट,
but very well performed and it looked very natural. He lived the character. Correct. Baki bhi unki kafi filme hain, but ye do meri favorites. कैद खाने का दरवाजा खोल दो। अगर आपसे पूछा जाए कौन से एक्टर उनको बहुत लुभाते थे, ऑब्वियसली शुरुआती दौर में कोई ना कोई एक्टर उन्हें बड़ा फेवरेट रहा होगा, उनका मनपसंद रहा होगा। वो हमेशा यूसुफ अंकल की बड़ी तारीफ करते। हाँ, दिलीप साहब। But yes, मैं एक चीज आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैंने नहीं, मेरी वालदा ने पूछा कि इतने सारी फिल्में की है आपने, इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, आपका मन पसंद मन चाहा डायरेक्टर कौन? तो उन्होंने कहा देवानंद। देवानंद साहब जी, देव साहब। देव साहब वाज हिज फेवरेट डायरेक्टर एंड मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे देव साहब के साथ काम करने का मौका मिला चार्जशीट में। करेक्ट। एंड मैंने उनसे देव साहब से कहा कि मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने एक ही डायरेक्टर का नाम लिया, वो थे आप। He was very happy. उनकी आंखें नम हो गई देव साहब की। इमोशनल मोमेंट। अच्छा, चूंकि आपने डायरेक्टर्स का नाम लिया, कभी कभार आपको अपने वालिद साहब का नाम इस्तेमाल करना पड़ा, चूंकि वालिद साहब ने आपसे बिल्कुल दो टोक शब्दों में ये कहा था कि अपना मकाम खुद ही बनाना, मेरा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन कभी भी आपने एमी कहीं जाकर आपको जरूरत पड़ी और जरूरत के चलते आपने अपने वालिद साहब का नाम लिया, फिर लोगों को पता चला अच्छा आप अजीत साहब के बेटे हैं, ऐसा कुछ सूरत हाल पेश आई? अंदाज अपने अपने के पास जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोगों को खुद ही पता चला अच्छा जी, क्योंकि वो कैरेक्टर वही था अंदाज अपना अपना के बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उससे पहले कभी मौका मिला आपने इस्तेमाल किया है वालिद साहब का उनकी गैर हाजिरी में? मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया। ओके, अच्छा कभी किसी डायरेक्टर से आप मिले, आपने बोला, आपने नाम लिया वालिद साहब का, तो वो शॉक्ड हो गए अच्छा अजीत साहब के बेटे? ये बड़ा अच्छा किस्सा है, मैं आपको जरूर सुनना शेयर करना चाहता हूँ। नासिर साहब फिल्म बना रहे थे कयामत से कयामत तक, विच इत्तेफाकन मेरी पहली फिल्म थी, शुरुआत के दौर की फिल्म थी वो। तो मुझे पता चला तो हमने फोटो सेशन वगैरह, उस वक्त तो फोटो सेशन ही होता था, फोटोज ही देके घूमना पड़ता था ऑफिस। तो हम नासिर साहब के ऑफिस चले गए। नासिर साहब की ऑफिस महबूब स्टूडियो के सामने थी और हम रहते थे बैंक स्टैंड पे। 45 मिनट मुझे वहां बाहर वेट करना पड़ा उनसे मुलाकात करने के लिए। फिर फाइनली उनसे मुलाकात हुई, देखा ये वो सब, उनको तब तक नहीं पता था मैं कौन। फिर उनके वहाँ एक शख्स आ गए जो मेरे वालिद, जिनका हमारे ऑफिस पे आना जाना था, जिन्होंने मुझे देखा था, बोला अरे नाज साहब ये तो अजीत साहब के बेटे। नाज साहब ने इतना गुस्सा किया मुझे, इतना गुस्सा किया, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? खामोखाम बाहर 45 मिनट बैठे रहे। हाँ। उन्होंने बोला बताए नहीं। मैं बोला नाज साहब मेरे वालिद साहब ने मना किया है उनका नाम लेने। अच्छा, बोला ठीक है। बोला देखो हीरो तो मैं आपको ले नहीं सकता क्योंकि हीरो हमारा फाइनलाइज है। वहाँ उस वक्त मेरे आमिर वहाँ पर थे और हीरोइन भी हमारी फाइनलाइज है, बट कुछ अच्छा होगा तो हम जरूर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। बोला ठीक है सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। इस तरह से आपकी भी एक जर्नी रही और बड़ी बाकमाल जर्नी रही है, आपने टेलीविजन भी खूब किया, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में मौका मिला अजीत साहब की, अपने वालिद साहब की किसी फिल्म का कोई किरदार निभाने का, तो आप कौन सा किरदार चुनेंगे? आई थिंक कालीचरण। इसका जिक्र आपने पहले भी किया जी, खैर कालीचरण के डायलॉग्स भी बहुत फेमस हुए जी, 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 जी। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है कभी कुछ ऐसा उन्होंने आपको कहा या बयानी की या आपके साथ गुफ्तगू हुई किसी बारे में इंडस्ट्री को लेकर कि अब आप इंडस्ट्री में आ गए हैं तो इन इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई सीख आपको उन्होंने अपने आखिरी अय्याम में दी? उनकी दो तीन चार बातें हैं जिनकी मैंने गांठ बांध ली। उन्होंने कहा कि बेटा जब आप शूटिंग पे जाएं तो आप अपना सारा ईगो अपने घर के कबर्ड की तिजोरी में लॉक करके जाए। आप वहां एक एक्टर हैं और एक्टिंग करिए, काम पे ध्यान दीजिए, आप
बेवजह किसी से वो ना करिए, तकलीफ ना दीजिए, किसी से बदतमीजी ना करिए। और अगर कुछ अक्सर हमारे इंडस्ट्री में तीन स्टेजेस होती है, एक होता है काम पाना, दूसरा होता है काम करना, तीसरा होता है पैसे निकालना। ये तीन स्टेजेस हैं। तो उन्होंने कहा इन तीन स्टेजेस को आप बहुत बाखूबी निभाए, और पैसों के लिए तो आप कभी झगड़ना ही मत। उनके साथ जो होता था वो क्या होता था कि उस वक्त ये सीरियल्स वगैरह थी नहीं, फिल्में ही होती थी। तो जैसे उन्होंने मिस्टर एक्स की फिल्म की, किसी वजह से फिल्म डिले हो गई, ओवर बजट हो गई, या उनके फंड्स कम हो गए, तो वो कहते थे अजीत साहब इस फिल्म में नहीं, मैं अगली फिल्म में एडजस्ट कर दूंगा। तो मेरे वालिद साहब अजीत साहब कहते थे नहीं, आप इस फिल्म का अकाउंट यहीं क्लोज कर दीजिए, चाहे आप 1 रुपये दीजिए, 2 रुपये दीजिए, 1 रुपये देकर उसको यहाँ खत्म कर दीजिए। ना आपको कुछ देना है मुझे, ना मुझे आपसे कुछ देना है। इस चक्कर में मैंने पूछा आपसे, डैडी आप ऐसा घाटे का सौदा क्यों करते थे? बोले इसीलिए करता था क्योंकि अगर मैंने ये अकाउंट यहाँ क्लोज नहीं किया तो जो दूसरी फिल्म है वो उसमें भी मुझे नहीं, उसमें नहीं देगा वो, क्योंकि उसको पहली फिल्म के भी पैसे देने और दूसरी फिल्म के भी पैसे देने। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कुछ चीजें सिखाई और बोले जितना हम्बल रहोगे, जितना वो करोगे, और सबर मेन चीज है, सबर। बोला यू हैव टू हैव पेशेंस ऑफ अ हॉक। जो गिद्ध होता है बहुत सबर वाला जानवर होता है, कहीं महीनों तक, कहीं उस तक वेट करता है अपनी शिकार का, और जब आता है तो फिर वो अपना बाखूबी, फिर वो तूफान मचा देता है और फतेह का झंडा गाड़ देता है जैसे उन्होंने किया। जाके इंतजार में जाते जाते जरूर आपकी आवाज में उनके कुछ डायलॉग्स, इतनी सी ख्वाहिश हमारी है जो हम चाहते हैं शहजाद अली साहब आप पूरी करें हमारी। सबसे फेवरेट डायलॉग तो मुझे ऑब्वियसली काली चरण का लगता है। वैसे तो उनके सारे डायलॉग्स बड़े मशहूर है। जब वो शत्रुघ्न सिन्हा जी आते हैं और फिश टैंक वाला जो सीन है वो बड़ा जबरदस्त सीन है। वो इंस्पेक्टर प्रभाकर पहुंच के यहाँ दौड़ भाग कर बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान, पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं। ऐसे लग रहा है अजीत साहब के साथ हम लाइव गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। वो कहीं ना कहीं यही है, देखिए जो किरदार उन्होंने निभाए हैं वो किरदार हमेशा अमर है और हमेशा यादगार कहलाए जाएंगे। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको लंबे समय तक, सदियों तक लोग याद करते हैं, दिलों में जगह देते हैं, और उन्हें लोगों ने एक बहुत ही अच्छी जगह दी है। इनफैक्ट बड़े बड़े जितने भी विलेंस हैं वो उनके नक्शे कदम पर ही आगे चले हैं। हीरोज भी विलेन बनते हैं तो उन्हीं की नकल, उन्हीं की गेटअप, उन्हीं की नकल करते हैं। आप देखिए आजकल की फिल्में, आप देखिए उनका डायलॉग कहीं ना कहीं अलग तरीके से इस्तेमाल होता ही होता है। जावेद अख्तर साहब ने भी जंजीर के बाद ये कहा था, इनफैक्ट कई सारे इंटरव्यूज में, कि जंजीर में जो अजीत साहब थे वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अजीत साहब की दमदारी, उन्होंने हमारे छोटे छोटे डायलॉग्स को जिस अदायगी से पेश किया तो वो नहीं लगता है कि कोई और विलेन उस दौर में कर सकता था। जी बेशक, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट उन्हें दिए हैं। उन्हें पर्सनली अलग अपने कॉन्टेम्प्रेरीज में कौन से विलेन भाते थे? अमरीश पुरी साहब और अनुपम खेर साहब को बहुत पसंद करते थे। मतलब बोले यार ये बोले पुरी साहब बोले मेरे बाद अगर किसी ने उस कहते हैं ना उस गद्दी को या उस चीज को संभाला तो वह अमरीश पुरी साहब। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। शहजाद जी के साथ एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे, फिल वक्त इजाजत चाहेंगे। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हमेशा खुश रहिए, खुश मिजाजी से काम लीजिए, और जो भी आपने सोचा है जिंदगी में आपको करना है, जिस डगर आपको जाना है, उसके लिए हौसले को, हिम्मत को पस्त ना करें बल्कि मस्त और चुस्त रखें। और जिस तरह से अजीत साहब ने अपने दमदार किरदार निभाए हैं हिंदुस्तानी सिनेमा में बड़े पर्दे पर, उन्होंने सब रखा। बतौर हीरो उन्होंने शुरुआत की, बाद में कैरेक्टर रोल्स में भी आ गए, सेकंड लीड में भी आ गए, बतौर विलेन फिर हिंदुस्तानी सिनेमा में एस्टैब्लिश हुए, लेकिन सब्र के साथ। आप सब्र अगर करेंगे लाइफ में तो स्टार से सुपरस्टार बनने में आपको देरी नहीं लगेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अच्छी मौसीकी, अच्छी फिल्में देखने के आदी हो जाइएगा, क्योंकि फिल्में और मौसीकी हमें काफ़ी कुछ सिखाती है और अच्छा इंसान बनाने में मददगार साबित होती है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, आई विल बी सीइंग यू वेरी सून।
खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया।